मेरा नाम वैद्य रसाड़ है और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की समस्या जो बहुत ज़्यादा हो गई है उसके बारे में। ये पूरी जो है एक सीरीज रहेगी, एक बार में बोलना इसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेयर फॉल की कंडीशन क्या क्यों होती है और ये सारी ऐसी समस्याएँ लोगों को क्यों है। तो पहला हम देखेंगे कि हेयर क्या होती है, मतलब हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, हेयर साइकिल क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स पे जो है वो बाल झड़ता बाल झड़ने की समस्या होती है और बाकी जो डैंड्रफ की समस्या है वो होती है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे, आज का सेशन जो है मेनली जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा और लास्ट के इस सेशन में जो है मैं टिप दूंगी जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से जो है आपके स्कैल्प को जो हेल्प मिलेगी मॉइस्चर मिलने के लिए और जो भी इचीनेस आपको लगती है वो, तो उस लास्ट में वो बताया जाएगा और मैं उसको खुद बना के बताऊंगी आपको कि कैसे यूज़ करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हेयर के बारे में पहले बात है कि हेयर क्या है, जो है एक केराटिन प्रोटीन नाम के जो है प्रोटीन से बना हुआ है। केराटिन प्रोटीन जो रहता है वो बहुत ही हार्ड प्रोटीन है और वो अमाइनो एसिड मेनली सिस्टीन की वजह से बना हुआ है। तो केराटिन प्रोटीन की वजह से जो है आपका हेयर स्ट्रक्चर जो है वैसा दिखता है। आपको बालों का कलर क्यों दिखता है, किसी के भूरे रहते हैं, किसी के ब्लैक रहते हैं, अलग अलग कलर, वो मेलानिन नाम का जो रहती है उस चीज़ से जो है आपको वैसा कलर होता है। तो हम आज के उसमें देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं बालों में, बाल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये बताना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका जैसे बाल झड़ता है तो आपको साइकिल समझ में नहीं आती है कि हमारे बाल किस साइकिल में है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपका। तो पहला बात करते हैं कि हेयर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हेयर स्ट्रक्चर में सबसे पहले चार पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हेयर स्ट्रक्चर का हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट जो है आपको सबसे जो बाहर का पार्ट दिख रहा है आपको उसको हम लोग हेयर शाफ्ट बोलते हैं। हेयर शाफ्ट जो है उसमें आपको कोई भी वो डेड सेल्स हैं, मतलब आपको बाल काटते हैं तो आपको कोई दुखता नहीं, हेयर शाफ्ट सबसे बाहर का पोर्शन हो गया। फिर सेकेंड पार्ट होता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हेयर बल्ब। हेयर बल्ब जो है वहाँ पे जो है आपका बेस है। सपोज ये पेंसिल है, अगर इसको हेयर का ये स्ट्रक्चर आप समझना चाहें तो ये जो अंदरूनी पार्ट हो गया इसका आपका जो बाहर स्किन हो गई अगर आपके अंदर की ये डर्मल लेयर हो गया, एपिडर्मिस हो गई, लेयर हो गई आपकी, तो यहाँ पे जो है आपका ये हेयर शाफ्ट दिख रहा है और आपके उसके रूट जो रूट नीचे है वहाँ पे हेयर बल्ब है, वहाँ से फॉलिकल, ये पूरा एक बाल का जो है फॉलिकल बोलते हैं, तो फॉलिकल यहाँ से नीचे से जुड़ा हुआ है, रूट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसको जो सारी न्यूट्रिशन मिलती है, ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ से डिविजन होता है। और डर्मल पैपलिया जो थर्ड पार्ट होता है इसका, डर्मल पैपलिया क्या करता है, रूट है, मतलब जितने भी न्यूट्रिशन जाना है उसका स्टिमुलेट प्रोवाइड करता है हेयर बल्ब को। हेयर बल्ब में जो है आपके सारे जो भी न्यूट्रिशन है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसके हॉर्मोन्स हैं, सब ब्लड सप्लाई वहाँ से जाती है। फिर आते हैं आपके स्टेम सेल्स, चौथा पार्ट है आपका स्टेम सेल। स्टेम सेल से क्या होता है, वहाँ पे स्टिमुलेट और डिवीजन स्टार्ट होते थे और इसीलिए बाल आगे आगे बढ़ते जाते हैं आपको। तो स्टेम सेल्स का भी अच्छे से डिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है और आपको वहाँ से ब्लड सप्लाई मिलना इंपॉर्टेंट है। ये चार पार्ट हो गए आपके हेयर के, हेयर का स्ट्रक्चर मतलब फॉलिकल, हेयर शाफ्ट, हेयर बल्ब, स्टेम पैपिलाय और उसके बाद आपका आ गया डर्मल पैपिलाय, उसके बाद हो गया आपका स्टेम सेल्स। इसके बारे में बात करने के बाद अब स्टेम सेल्स की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसे होती है और ये साइकिल कैसे चलती है। हेयर जो है उसकी एक साइकिल है, इस साइकिल के अकॉर्डिंग जो है हेयर की आपका कभी बाल उगता है, फिर पूरा बनता है, फिर बाल बाहर गिर झड़ता है। तो आपको लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ा है, एक्चुअली वो उसकी स्टेज में रहता है, वो ग्रोथ में रहता है और उसके बाद से वो शेडिंग बोलते हैं। तो हेयर फॉल या हेयर शेडिंग को हम ग्रोथ उसकी कैसे होती है उस साइकिल को हम आज जानेंगे। तो हेयर साइकिल आपकी कैसे होती है, अभी पहला जो फेज, तीन फेजेस होते हैं इसमें, तीन इंपॉर्टेंट फेज हैं और ये फेज आना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई पेशेंट अपनी कंप्लेंट लेके आता है वैद्य के पास या किसी भी डॉक्टर के पास या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हों कि कितने दिन तक, एक हफ्ते में मुझे रिजल्ट चाहिए, एक महीने में रिजल्ट चाहिए, 21 दिन में आपको रिजल्ट चाहिए, वैसी जब कंडीशन होती है लेकिन अमूमन आपको पता नहीं होता है कि हेयर एक्चुअली बना कैसे है और इसकी कैसे साइकिल चल रही है, वो अंदर से आपको ये जानना जरूरी है। फिर यही पार्ट की ये फेज आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में क्या बताया गया है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस फेजेस को जाना। तो पहले हमने हेयर जो स्ट्रक्चर था उसको जान लिया, अब हम आते हैं फिजियोलॉजी की ग्रोथ कैसे होती है। तो पहला आपका जो फेज होता है उसको एनाजन फेज बोलते हैं। अब एनाजन फेज में क्या होता है, ये आपके बालों की ग्रोइंग फेज है, मतलब इस टाइम आपके बाल जो है वो ग्रोथ होती रहती है और ये जो ग्रोथ है वो जो है आपकी 1-2 से 7 साल तक ये ग्रोथ चलती रहती है। इसमें आपके बाल बढ़ते रहते हैं, इनको सारा जो न्यूट्रिशन मिला है वो आपको बाहर दिखता रहता है, तो ये आपके ग्रोइंग फेज है।
और जितना अच्छा है, जितना हेल्दी रहेगा, जितना न्यूट्रिशन आपने खाया होगा उतना अच्छा ये फेस रहता है। अब बालों के बारे में दूसरी बात आती है कि बाल की ये 2 से 7 साल चलते हैं और इसके बाद में 18 से 3 इंच मतलब 18 to 30 inches बाल इस फेज में बढ़ता है, कि जितने में बाल बढ़ना है वो 18 to 30 inches इसमें बाल बढ़ते हैं और ये 2 से 7 साल तक ही रहता है। कभी कभी अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो उसके हिसाब से ये फेज और भी अच्छा हो सकता है और इसको प्रोलॉन्ग करने की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई हुई है, जो हम आगे के पार्ट में बात करेंगे। फिर आगे आपका कैटाजन फेज। कैटाजन फेज में क्या होता है, ये ट्रांजिशन वाली फेज है, मतलब पहले फेज से दूसरे फेज में जो है बाल की एंट्री होती है। यहाँ पे आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बालों का जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है, कट हो जाता है और उसके बाद जो है बाल जो बाहर का है वो शेड हो जाता है, मतलब यहाँ से बाल जो आपको दिख रहे हैं वो कैटाजन फेज में, मोस्टली एनाजन फेज में है। जो 80 to 95% जो आपके बाल हैं वो एनाजन फेज में ही रहते हैं, 10 to 20% से भी कम बाल जो है आपके ट्रांजिशन में जाते रहते हैं। मतलब एक ही साथ सारे बालों का आपका एनाजन फेज चल रहा होगा ऐसा नहीं होता, एक ही साथ सारे बालों का आपका टीलोजन फेज चल रहा होगा ऐसा भी नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे कि टीलोजन मतलब कैटाजन फेज में जो है आपको कैसे पता चलता है कि ये ट्रांजिशन फेज कैसी होती है। तो इस फेज के अकॉर्डिंग में जो हेयर शेडिंग होती रहती है, जो ट्रांजिशन होता रहता है आपको बालों का, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको लगता है कि मेरे बाल अभी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, फिर ग्रोथ नहीं हो रही उतने बालों की, तो मे बी जब आप उस कंडीशन में हैं तो आपके बाल जो हो कैटाजन फेज में हो और उसके बाद जो है वो टीलोजन फेज में जाएंगे। तो टीलोजन फेज जो है तो आपका वो डाइंग फेज है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि कैसा है ये चीज़। सपोज आप कोई पेड़ ले लीजिए, अगर पेड़ आप कोई ग्रो करने वाला है तो हर एक मौसम में उसकी जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ जो है अपने बाल अपने जो पत्तियां होती हैं वो शेड करता रहता है, मतलब वो झड़ते रहते हैं, उसके बाद वो पूरे झड़ के गिर जाती हैं। वैसा ही अपना कुछ है, लेकिन अपने इस जो है अपने जो सर के बाल हैं उसमें एक साथ पूरा ये फेस नहीं आता कि आपके पूरे बाल झड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ये डिजीज के कंडीशन में होता है, इसीलिए हम ये चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका थोड़ा बहुत बाल आए, 50 से 100 बाल गिरना एक दिन में ये नॉर्मल चीज़ है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये बात जो है आपको अलर्ट होना चाहिए कि इसका कारण भी जानेंगे। तो जब एक पेड़ रहता है अगर उसके पतझड़ के मौसम उसके बाल झड़ जाते हैं तो उसके अंदर की जो रूट रहती है वो जिंदा रहती है, तो वो दोबारा रीग्रोथ होती है वहीं से। तो फॉलिकल का आपका वही काम है, फॉलिकल से जो है आपका दोबारा जो है आपके बालों फिर से एक नया जो एक सीड की जैसे एक पौधा बाहर आता है, उगता है, बाहर आता है सॉइल के थ्रू, वैसे ही उस टाइम पे जो है आपको कितना खाद पानी आपने उस बीज को दिया है, कितने अच्छे क्वालिटी का पानी मिला है, कितना अच्छा न्यूट्रिशन दे रहा है, उस हिसाब से वो बीज ग्रो करके अच्छा सा प्लांट ग्रोथ होती है। वैसे ही सेम कंडीशन जो है आपके बालों की भी होती है, अगर आपने जो है अच्छे से न्यूट्रिशन खाया, इसलिए न्यूट्रिशन का इतना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से न्यूट्रिशन खाया तो आपके बाल की भी अच्छी कंडीशन होगी। फिर आ जाता है आपका टीलो फेज, मतलब टोटली रेस्टिंग फेज है, इस टाइम आपके बालों की कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अंदर जो कैटाजन फेज होता है उसमें जो है क्लब हेयर हो जाता है, मतलब क्या है उसका जो है वो डिटैच हो जाता है वो पूरी तरीके से, और दूसरा जो है वो पूरी ग्रोथ रुक जाती है। तो टीलोजन फेज में क्या होता है कि आपकी पूरी रेस्टिंग फेज है, इस टाइम आपके बाल बढ़ नहीं रहते हैं, इस वक्त क्या है न्यूट्रिशन तैयार होता है, बीज जो है आपके अंदर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर बीज जो है आपका वो हेयर फॉलिकल है जो अंदर है, अब वो पूरे जब न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे तब इस फेज में जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर पेशेंट कभी आता है उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़े हैं और बाल वापस आ नहीं रहे, वो ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन बाल झड़ते जा रहे हैं, तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपका एनाजन फेज तो है आपका, मतलब आपके बाल जो है वो तो ग्रोथ कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो टीलोजन फेज में है, मतलब वो बाल जो है वो झड़ने के ही फेज में है और दोबारा ग्रोथ 3 महीने बाद होगी। एनाजन फेज जो है वो आपका 2 से 7 साल के लिए रहता है और उसके बाद जो है कैटाजन फेज जो है वो लगभग 2 to 6 weeks मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना रहता है। मतलब आपका जो ट्रांजिशन का फेज है बालों का एक से दूसरी तरफ शेडिंग की तरफ जाना है वो 1 से 1.5 महीना चलता रहता है, जबकि टीलोजन फेज जो है वो 3 महीना रहता है, 3 महीने से किसी किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो रेस्टिंग टाइम है टीलोजन फेज के टाइम उस टाइम आपने न्यूट्रिशन कैसा दिया और ये तीनों की साइकिल कैसे चलती रहती है। अब यही तीनों में साइकिल चलती रहती है और यहाँ पे ये बताना कि टीलोजन फेज इतने समय के लिए क्यों है, क्योंकि जब आप किसी वैद्य या किसी भी कोई भी पैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपने जो है सोचा कि 1 हफ्ते में आपके बाल उग आए या 1 हफ्ते में हेयर फॉल की कंडीशन रुक जाए और आप टीलोजन फेज में कुछ कुछ आपके बाल हैं,
तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 3 महीने तक लें। मतलब क्या है, जब आपके बाल नहीं भी झड़ रहे हैं, बाल आपके झड़ रहे हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ जो अंदर के बीज है, जो हेयर फॉलिकल है, उनका जो ग्रोथ है वो चलता रहता है। इस टाइम जो है बालों ने अपना रेस्ट किया है, वो अपना पूरा न्यूट्रिशन मटेरियल, ग्रोथ फैक्टर, ये सारे जब एक साथ मिल के आते हैं, तब जो है टीलोजन फेज से आपका जो है एक 3 महीने के साइकिल के बाद से, रेस्ट करने के बाद से, सारा न्यूट्रिशन इकट्ठा करने के बाद से, वो पौधा जैसे बाहर आपके सॉइल के बाहर आता है, वैसे ही आपके जो एनाजन फेज में जो है बालों की ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है। पर ऐसा नहीं कि ये एक साथ पूरे बालों के लिए, पूरे बाल जो है आपके टीलोजन फेज में नहीं जाते। जब ऐसी कंडीशन में जो रहती है बहुत ज़्यादा आपकी डिजीज कंडीशन, तब ऐसे जाता है। तो ये सारा पोर्शन जो है आपका ये हो जाता है कि तीनों फेज है। तो एनाजन फेज जो, कैटाजन और टीलोजन फेज, इसलिए जानना है। और चिकित्सा इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपके बाल एनाजन फेज में है, मतलब ग्रोइंग फेज में है, तो उसको कितना प्रोलॉन्ग करें, आप कितना अच्छा न्यूट्रिशन खाएं, आहार रस कितना अच्छा लें, वो आयुर्वेद में बताई गई चीज़ है। तो नेक्स्ट सेशन में उसकी बात करेंगे। फिर आता है आपका टीलोजन फेज में, मैंने बताया कि आपका डाइंग फेज होती है, रेस्टिंग फेज होती है बालों की। अब बात करते हैं कि किस किस चीज़ों पे आपके जो हेयर फॉल की कंडीशन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, मतलब इंटरनली भी आपके कुछ सिस्टम की वजह से हो सकती है, या इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। इन्वायरमेंटल मतलब डस्ट पॉल्यूशन, एलर्जी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा धूल है, तो उस वजह से भी आपका हो सकता है। या तो पहला आपके फिजियोलॉजिकल में होगा, अगर आपका ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, फिर आपको थायराइड, पीसीओडी की हार्मोनल इंबैलेंस है, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए जो है आपका कॉर्टिसोल, ये सारे जो हार्मोन्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है जानना। एंड्रोजन है, ये भी हार्मोन जो है आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीसीओडी के पेशेंट में एंड्रोजन का इतना हम देखते हैं कि हार्मोन कैसे बढ़ गया है। तो पहले फिजियोलॉजिकल में मैंने बताया कि आपका वेट लॉस, थायराइड की प्रॉब्लम, फिर आपका अगर बहुत आपको आयरन, कैल्शियम, एच भी आपका बहुत कम है, हेमोग्लोबिन बहुत कम है आपका, आपको प्रॉपर इनडाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गैसेस, एसिडिटी रहती है, तो जो उस टाइम जो आपका आहार रस है, जो क्वालिटी ऑफ फूड है, वो नहीं बन रहा। क्वालिटी ऑफ फूड अगर वहाँ से नहीं बनेगा तो आपके बाल तक कैसी वो चीज़ जाएगी, इसलिए हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को आप इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशन करें जिसकी वजह से हेयर जो कि फॉल की समस्या अब आपकी कम हो जाए, बाल झड़ना कम हो जाए, ग्रेइंग कम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बाल अच्छा चाहिए तो जैसे उस बीज के लिए अच्छा एक सॉइल और खाद पूरा तैयार होना चाहिए, वैसे ही आपके जो है शरीर में जो है जो फैक्टर्स है, जैसे कि आपका बायोटिन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपका बाल बनते हैं, सल्फर हो गए, नेचुरल सल्फर आपके बालों में रहता है, तो ये सारी चीज़ें इस न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलने वाला है, तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ खाने से मिलने वाला है, और वो आपको कितने अच्छे से पच रहा है, इससे आगे आपकी पूरी ही साइकिल होगी। इसलिए हेल्दी बॉडी के ही ऊपर हेल्दी बाल भी रहेंगे। ऐसा नहीं रहता है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके बाल भी उस टाइम बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो समझ में आती है कि न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये सारे जो फेजेस थे, ये जो मैंने बताया कि बाल जो है कितने कितने फेजेस से जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको चिकित्सा कैसे करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, वो चीज़ समझ में आती है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो ऊपर से, डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपकी ऊपर से नहीं है, जो चीज़ आपका जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें बन रही हैं आपकी, चीज़ स्कैल्प हो रहा है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, पर अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा जो है आपका न्यूट्रिशन कुछ भी बॉडी को मिल नहीं पाता, और हेयर फॉलिकल जिसको जड़ को जो न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और वो वहीं से डायरेक्ट टूट जाता है। कभी कभी जो है बहुत लोगों की समस्या ये है कि बाल धुलने के बाद जिस बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल धुला आपने और उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, तो ये समस्या पे भी ध्यान देना चाहिए कि उस टाइम आपने आप गर्म पानी से बाल धुला क्या। ये गर्म पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया और इन जनों की आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पोर्स हैं, पोर्स जो है अगर वो उस टाइम खुल जाएं, जो फॉलिकल है यहाँ पे आपके बॉडी बॉडी में जैसे पोर्स हैं, स्किन के पोर्स हैं, वैसे आपके सर के पोर्स हैं। ये सर के पोर्स क्या करते हैं, आपका थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, बॉडी से जो हीट निकलने वाली है उसके लिए अच्छा काम करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड से जब सिक्रीशन होती है तो उस ग्लैंड के जो सीबम, जो ऑयल निकलता है, वो आपके बॉडी के लिए प्रोटेक्ट करता है, आपको आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइजिंग, एकदम से ड्राई होने लगते हैं बाल, तो उस टाइम सेबेशियस ग्लैंड कैसे डिस्टर्ब हुआ है इस चीज़ को भी देखना इम्पॉर्टेंट है।
इसीलिए थर्मो आपका जो ये पूरी बॉडी जो है, जो आपके सर है, स्कैल्प है, जो आपका 10% जो है हीट है वो आपके सर से निकलती रहती है। इसलिए यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाता है, कॉजेस क्या है, तो हीट अगर आपकी बॉडी में, वैसा आपने कुछ खाया है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम आपको जो है आपको हेयर फॉल की समस्या ज्यादा हो जाती है। मतलब स्वेट ग्लैंड जो नॉर्मल काम करना चाहिए था उसका बहुत ज्यादा एक्सेस सिक्रेशन होने लगता है, या फिर सेबेशियस ग्लैंड का जो कम काम होना चाहिए था, वहां पे जो हेयर के स्ट्रक्चर में रूट के पास में जो है आपका मसल्स भी रहती हैं और उससे अटैच जो है सेबेशियस ग्लैंड होती है, ये इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कि आपके जो बाल है वो ऑलरेडी नेचर ने इसको प्रोटेक्शन दी हुई है कि अंदर से जो है ऑयली सिक्रीशन होगा तो बाल के जो जो भी जड़े रहेंगे, जो आपकी स्काल्प रहेगी वो रुक्ष नहीं पड़ेगी, ड्राई नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो जा यही है कि आपको इस चीज को लेकर इंटरनली कितना ध्यान देना चाहिए, और ये सारे स्टेजेस जो है आपकी बाल की ग्रोथ सिर्फ बाहर से दिखने का नहीं है, इसके पीछे की बहुत सारी एनाजेन फेस, जितने कैटाजेन फेस और टीलो फेस है, और इसमें एक एक में जो है 3 महीना, 2 से 3 महीना लगता है इसको। 3 महीना तो आपके बाल को एक रेस्ट चाहिए होता है, उस रेस्ट में आपने कितना न्यूट्रिशन खाया इसके ऊपर जो है आपके हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, ये सारी समस्या बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आयरन, कैल्शियम, ये तो सारे एक्सटर्नली कॉजेस हो गए हैं। अगर आपका बॉडी फिजियोलॉजिकली अच्छा नहीं है, आपके लिवर में जो है सारे टीज न्यूट्रिशन जो है ब्लड में नहीं अच्छे से हो रहा है, ब्लड अगर प्योर आपका जो है अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आपको जो है हेयर फॉल की समस्या होने वाली है। ये सारा आपका आयुर्वेदिक, ये सारा आपका मॉडर्न पर्सपेक्टिव हो गया। मैंने मॉडर्न में बताया, ये क्यों बताया, क्योंकि ये कोरिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसको लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हमारा जल्दी से हेयर ग्रोथ होनी चाहिए, पर न्यूट्रिशन आप क्वालिटी ऑफ फूड की कितना खा रहे हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी चीज है कि अब हम टोटली देखेंगे कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है कि आयुर्वेद में हेयर फॉल को लेकर क्या बोलते हैं। अब आयुर्वेद में जो है हेयर फॉल को पर्टिकुलरली खालिद्य का नाम दिया गया है। हेयर फॉल मतलब आयुर्वेद का है, आयुर्वेद में बोला गया है कि हेयर जो है आपका वह अस्थि धातु का जो है मल है, बाय प्रोडक्ट है उसका। बाय प्रोडक्ट कैसे हो गया कि जो टिश्यूज आपके बोन के लिए डिपेंडेंट होती हैं, जो टिश्यूज जो आपको हेल्प करती हैं बोन को डेवलप करने के लिए, वही टिश्यूज जो हैं आपके हेयर को भी ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट हेल्प करती हैं। तो इसीलिए अस्थि धातु अगर आपका अच्छा है, अगर आयुर्वेद का प्रयोजन यही है और आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव यही है कि पूरी सम अवस्था में अगर अस्थि धातु अगर आपका अच्छा है, हेल्दी है, तो ही आपका जो है उसका बाय प्रोडक्ट जो बनने वाला हेयर है वो भी हेल्दी रहेगा। आयुर्वेद का प्रोस्पेक्टिव मतलब कैसा हो गया कि प्रकृति अनुसार देह प्रकृति कैसी है, उसकी साम्य अवस्था कैसी है, आपकी अग्नि कैसी है, दोष धातु मल कैसे हैं। अभी इन शॉर्ट में जैसे दोष धातु मल के बारे में बताना, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उसके अकॉर्डिंग आपके बाल भी रहते हैं। ये हेयर टाइप भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है चीज कि जैसा आपका बॉडी टाइप है उस टाइप के आपके बाल भी रहते हैं, उस टाइप का आपका बाल भी रहते हैं। इसलिए ये यहाँ पे जो चल रही है, जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है कि आपका जैसा भी बाल हो, अगर आपके बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, उसको दूसरों के जैसे कि मुझे एकदम से थिक ग्रोथ हो जाए, फिर मेरे बाल बहुत पतले तो एकदम मोटे हो जाए, वैसा ना सोच के अगर आपके बाल हेल्दी कैसे रहें और यही आपकी प्रकृति, इसको एक्सेप्ट करके अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बाल की हेयर जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी और ये स्ट्रेस टेंशन भी आपका कम रहेगा। बॉडी के लिए जो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि माइंड और सोल और आपका दोष धातु मल, ये सारे जब सम अवस्था में रहेंगे तब जाके आपको हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी। और जो एलिमेंट्स है आपके बॉडी में जैसे रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये अस्थि तक गया है, लेकिन आपको मिलना जो है पहला जो है आपका न्यूट्रिशन जो फूड है वो आहार रस से जाना, मतलब न्यूट्रिशन कैसा खाया है उससे पास ऑन होते हुए अस्थि धातु तक जाएगा, और अस्थि धातु के बाद जो उसका मल जो बाय प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आपका जो बाल तैयार हो रहा है, केश तैयार हो रहा है, वो उससे अच्छा बनेगा। तो इसीलिए इस चीज को जानना इम्पोर्टेंट है कि आहार रस ये इतना शॉर्ट फेज नहीं है कि आप अगर आप आए पेशेंट अगर बोलते हैं कि मुझे जल्दी से 21 दिन में रिजल्ट मिल जाए, आहार रस से जो है आपको ये चीज जल्दी से अस्थि धातु में मिल जाएगी, पर अगर आपका वो फेस नहीं होगा, आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा होगा, आपका पाचन ही अच्छा नहीं होगा, तो डायरेक्ट अगर आप ये चाहें कि सिर्फ और सिर्फ लोकली एप्लीकेशन दे दें उससे बाल झड़ना कम हो जाए, या फिर इंटरनली बस में आमलकी या फिर बाकी जो चूर्ण है जो मेडिसिन वो खा लूं उससे जल्दी से ग्रोथ हो जाए, तो ग्रोथ कैसे होती है, साइकिल क्या है आपके बालों की, वो जानना इम्पोर्टेंट है। और आपके देह प्रकृति मतलब आपकी जैसी बॉडी टाइप है उस अकॉर्डिंग आपका हेयर टाइप है, इसको जानना इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सटर्नली कुछ कर भी रहे हैं तो उसके लिए केमिकल्स या स्ट्रेटनिंग या फिर रिबॉन्डिंग जो भी सारी चीजें आप करते हैं उसको कराते हुए आप उसके लिए हेल्दी कितना है, आप अपने रूट को कैसे बचा रहे हैं,
जो बीज है, जो रूट है यहाँ का, उसको कैसे हेल्दी रखना है और इंटरनली आप कैसे इनटेक कर रहे हैं न्यूट्रिशन का, जिसकी वजह से आपके बाल जो है झड़े ना, और अगर आपका एक्सटर्नली भी कुछ लगाया है तो उसका भी जो है वो सम अवस्था बनी रहे, उसकी वजह से बाल झड़ना ना सड़े, रूट से ना टूटे आपके बाल। फिर ये स्प्लिटेंस वाली जो समस्या हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, तो इसको आयुर्वेद में बताया गया है दारुणक, मतलब डैंड्रफ होता है, मतलब रूसी, जो एक बालों से जो आपका व्हाइट व्हाइट स्कैल्प ऐसे शेड होती रहती है, आपको लगता है कि बाल मेरे पूरे बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, इचीनेस होती है, उसको दारुणक बोलते हैं। खालित्य, मतलब मैंने पहले बताया था कि हेयर फॉल को खालित्य बोलते हैं। पालित्य मतलब होता है कि बहुत इमेच्योर जो है आपकी ग्रेइंग हो जाए, मतलब बहुत जल्दी आपके जो है बाल सफेद होने लगे। एज वाइज ये चीज होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आपकी एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपको मेलानिन जो सिक्रेशन है आपकी बॉडी में वो कम पड़ता जाता है और आपके बाल सफेद हो जाते हैं, जो कलर फैक्टर है। वैसे ही इसी तरह से पित्त की दुष्टि बताई हुई है, अगर अगर पित्त बहुत दोष आपका बहुत बड़ा हुआ है, पित्त की दुष्टि है आपकी, रक्त की दुष्टि है, तो बहुत जल्दी आपके बाल जो है वो सफेद हो जाएंगे। वैसे ही इस पित्त का काम जो है आपका जो है रंजक पित्त जो है वो आपकी स्किन को भी कलर करता है, आपके बालों के लिए भी वैसा ही कलर आता है आपको। तो ये आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है। फिर दूसरी बात हो गई कि अगर आपने देखा कि खालित्य पालित्य ये सारे कॉजेस हैं, तो इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, मतलब हमको हर एक बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। एक ही शैम्पू सबको सूट होगा वैसा नहीं होता, एक ही अगर कोई काढ़ा ले लिया आपने तो वो सबको सूट होगा वैसा भी नहीं होता। आपका जो न्यूट्रिशन है, नो डाउट न्यूट्रिशन सबके लिए सेम रहेगा, कि आपने वो न्यूट्रिशन खाया तब जाके वो बाल जो है मैंगनीज, जो भी जिंक, आयरन, कैल्शियम जो भी चीज़ है वो आपको मिलेगी, पर एक ही तरह के सबको जाएगी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वैसा बिल्कुल नहीं रहता। बॉडी टाइप आपकी प्रकृति, ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आयुर्वेद में अस्थि धातु को कैसे पोषण देना है, अस्थि धातु को ये क्या क्या चीज बढ़ाती है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात आ जाती है कि आयुर्वेद में अगर सारी ही अगर दोष धातु मल को अगर सम अवस्था में करें, मतलब स्वेद, अगर आपको स्वेद स्वेट ग्लैंड आपके जो बहुत ज्यादा अगर सिक्रीशन है, मतलब आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो वहाँ पे जो आपके पोर्स पूरे खुल जाएंगे, उसके बाद बाल आपको और भी जल्दी झड़ेगा। अगर आपका कोई आपने पौधा लगाया और उसके पूरे जड़ को आप पूरे से तरह से उसकी मिट्टी हटा देंगे, वहां पे पानी कुछ नहीं मिलेगा, पोर्स खुल जाएगी, तो वो जड़ कमजोर हो जाएगी और वहां से बाल आपका टूट हो जाएगा टोटली। यहाँ पे ऐसा है कि आपने अगर ये बाल है अंदर से अटैच है और यहाँ पे आप इसको पोषण दे रहे हैं, तो ये पूरी ये यहाँ तक भी जाएगी चीज और अंदर से भी पोषण मिल रहा है। मगर अगर आपने क्या किया कि यहाँ पे पूरे केमिकल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको जो है इचीनेस हो रही है, डैंड्रफ की लेयर हो रही है, आप अच्छे से तेल नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ जो चीज आती है वो पूरी शरीर से डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें सेंस रहता है, यहाँ पे डेड है, पर अंदर से जो फॉलिकल है आपका उसमें लिविंग सेल्स हैं आपके, तो ये वहां से डिस्टर्ब होती रहती है। तो इस चीज को देखना है आपको कि ये डिस्टर्ब ना हो और आपका जो फेस है वो अच्छे से न्यूट्रिशन के थ्रू इसकी ग्रोथ होती रहे। इसलिए आयुर्वेद का अस्थि धातु के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है कि ये बार प्रोडक्ट है और ये कैसे मिलता रहता है। फिर हम इसमें चिकित्सा करेंगे। आज के जो फेज है, आज का जो पार्ट है वो बहुत शॉर्ट पार्ट में लेने वाली हूँ। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया आपको और बाद में इसकी चिकित्सा भी बता दे जाएंगे कि आचार्यों ने कैसे बोला। आचार्य बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं इसको शूद्र रोग बोला जाता है, और आचार्य बागभट्ट जी बोलते हैं कि इसको शिर रोग में बोला जाता है। शिर रोग की जब समस्या होती है तब आपको जो है खालित्य पालित्य दारुणक ये सारी समस्याएं होती रहती है, हेयर फॉल की कंडीशन आती रहती है। एक्सटर्नली जो भी सारी चीजें आपको ब्लड नहीं सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसलिए कभी भी योगा और प्राणायाम ये सारी चीजें आपको बताई गई है। फिर मैं एक अभी जो है आपको एक DIY भी बताऊंगी, मतलब आपको घर के घर में मैंने बोला था कि सीरम कैसे बनाना। आगे के जो लेक्चर रहेगा, आगे का जो सीरीज रहेगा, उसके सेकेंड सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे आपको अपने मेडिसिन कैसे लेनी है, बॉडी टाइप क्या है आपका, और उसके अकॉर्डिंग आपके बाल कैसे हैं। किसी किसी के बाल जो है वो कर्ली होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल बहुत थिक होते हैं, किसी के बाल बहुत थिन होते हैं। तो जैसे जैसे जो प्रकृति रहती है, अगर वात प्रकृति का इंसान है नॉर्मल, ये दोनों मिक्स प्रकृति रहती है, लेकिन एक अमूमन है कि किसी वात प्रकृति को होगा तो मे बी उसके बाल कर्ली रह जाएंगे, पित्त प्रकृति को होगा तो उसके बाल थोड़े से थिन होंगे, कफ प्रकृति का रहेगा तो उसके बाल बहुत ज्यादा थिक होंगे, डेंस होंगे, जब जैसा उसको सभी को ऐसा लगता है कि मेरे कफ प्रकृति वाले जैसे ही बाल होने चाहिए, एकदम डेंस, एकदम लस्टरलेस, शाइनिंग रहती है उसमें, तो वो चीज भी खत्म हो सकती है अगर प्राकृतिक हेयर जैसा है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्राकृतिक जैसा आपका हेयर है वैसे आपको हेल्दी रखना है, बाल झड़े ना, और उसके 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 जो न्यूट्रिशन है वो उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ये सारे जो है प्रकृति अनुसार आपके बाल हैं, उस हिसाब से आपके न्यूट्रिशन, उस हिसाब से आपका इंटरनल भी एक्सटर्नल भी वैसी चिकित्सा की जाती है। फिर आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्मल, मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बाल बहुत इच्छी स्कैल्प है, अभी यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है, तो ये 10 to 20 ml ले सकते हैं आप, उससे ज्यादा ले सकते हैं,
हाफ बॉटल ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पे एलोवेरा जेल। उसके बाद इसमें मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे मैंने गुलाब जल ले रही हूँ मैं, इसमें जितना हमने पोर्शन डाला था उतने पोर्शन में मैं यहाँ पे गुलाब जल ऐड कर रही हूँ उसमें। अब गुलाब जल जो है इसमें जो अब ऐड करेंगे हम, तो गुलाब जल को पूरा आपको अच्छे से यहाँ पे इंटरनली गुलाब जल को ये आपको हाफ पोर्शन जो है गुलाब जल का मिलाना है यहाँ पे। हम मेडिसिन के पार्ट में भी जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल मैं आज के सेशन के लिए मैं एक DIY बता दे रही हूँ, आप घर के घर में सब लोग कर सकते हैं। अब ये देखिए आधा पोर्शन जो है वो एलोवेरा जेल का है, आधा पोर्शन मैंने गुलाब जेल ले लिया, इसकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी मैं। उसके बाद में यहाँ पे है मेरे पास निम्बू पत्र का भी मैंने जो है पिंच फॉर्म में ले रही हूँ, आप उसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं कम भी यूज़ करते हैं। और ये इसमें मैं निम्बू पत्र डाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, आपको पिंच या हाफ स्पून डाल सकते हैं, आपके जैसे बाल स्कैल्प जैसे हैं आपको पूरे बाल में लगाना है तो पूरा लगा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे नीशा मतलब हल्दी होता है आपका जो सबके घरों में रहती है वो चीज़ें, ये पूरी ऐसी चीज़ है कि ये सारे जो मैंने कंटेंट यूज़ किए हैं सबके घरों में मिल जाती है। अब आपको ये बॉटल है ये शेक कर लेंगे पूरी अच्छे से ताकि पूरा जो एलोवेरा जेल है वो पूरा अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। ये सिंपल सा जो है आपका जो हेयर स्प्रे मैंने अभी बताया आपको, इसमें मैंने कंटेंट जो भी डाले हैं अभी जो एलोवेरा जेल डाला है सबको पता है कि एलोवेरा जेल जो है वो जो है आपको इंटरनली मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, मतलब आपको जो है स्निग्धता प्रोवाइड करेगा और इसकी वजह से जो पित्त दोष बढ़ा हुआ है उसको भी कम करेगा। लेकिन जब आपको एक्सटर्नली ये सारी समस्याएं होती हैं, आपको हेयर फॉल रहता है, आपको ये चीज़ स्कैल्प रहती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाला हुआ है। हल्दी से क्या होगा कि आपका जो एंटी फंगल जो अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जा रही है स्किन, नीम से भी जो है नीम से एंटी फंगल ये भी काम करेगी और अच्छे से आपकी इचिनेस है वो सारी चीज़ों को कम करेगी। तो ये जो आपने अभी ये स्प्रे बनाया है इसको जो है आप अपने सारे ही स्कैल्प में जो है रेगुलरली आफ्टर शावर मतलब जब भी आप बाल धुलते हैं तो इसको 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 आपके पूरे जड़ों में जो है स्प्रे करना। आप इसमें नीम की जो क्वांटिटी थी मैंने वो कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं डिपेंड करता है, और यह आपको 2 से 3 बार डेली डेली जब भी बाल धुलते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे हेयर स्प्रे क्यों बताया इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप बाल धुलते हैं तो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं जो आपका यहाँ पे रूट पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। खुलने के बाद जैसे स्किन के लिए लोग बहुत एक्सटर्नली सबको पता है कि टोनिंग की यूज़ करते हैं, वैसे पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने उसको टाइटन करने के लिए कि वो खुला रह जाता है उसकी वजह से आपके बाल की जो जड़ है वो जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसको एक्सटर्नली आप कैसे लगा सकते हैं इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम है। एलोवेरा जेल लिया, इसमें आपने गुलाब जल ले लिया, गुलाब जल जो है वो पित्त शामक भी है, सबको पता है कि वो पित्त को कम करने का काम करता है, हीट को कम करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा आप बाहर धूप में से आए और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि गर्मी हो रही है पूरा पसीना हो रहा है तो एक जब नॉर्मल हो जाते हैं और आपका फिर भी सिर गर्म रहता है तब भी इस हेयर स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है तब भी ये हेयर स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं, और आपको 2 से 3 बार यूज़ करना। नॉर्मल जब आप कहीं करने आते हैं तो आप पूरे बालों में भी इसको स्प्रे कर सकते हैं ताकि आपका जो बालों का क्यूटिकल है जो सबसे आउटर जो पार्ट है आपका वो क्यूटिकल है, जब आप बाल धुलते हैं तो ये क्यूटिकल जो है वो पूरी तरीके से वो कमज़ोर होता है खुल जाते हैं, और आप पूरी कोम कर देते हैं तो ये पूरे क्यूटिकल जो है बाल की जो बाहर की पूरी लेयर है उसको तोड़ देता है। तो इसके लिए एक लुब्रिकेशन अलग से प्रोटेक्शन इस हेयर स्प्रे से आप लगा सकते हैं, और आगे के सेशन में मैं इसके बारे में इंटरनली मेडिसिन के बारे में भी पूरा अच्छे से नेक्स्ट सीरीज में जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ओके धन्यवाद। अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाद में मैं सारे क्वेश्चंस को ले लूंगी और नेक्स्ट सीरीज में हम पूरा मेडिसिन के बारे में लेंगे। आर्य विषय के पेज पे जो है सारे ही जितने भी ऑयल हैं ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके नमस्ते।